यूपी के रायबरेली में एक ट्रेन हादसा हुआ है। बुधवार को रायबरेली के हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के पास न्यू फरक्का एक्सप्रेस की इंजन समेत 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई अन्य घायल हैं। बुधवार को यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के पास न्यू फरक्का एक्सप्रेस के इंजन समेत 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है और कई अन्य घायल हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को रायबरेली जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है। हरचंदपुर आउटर के पास आकर ट्रेन अचानक डिसबैलेंस हो गई, ट्रेन की पटरी छोड़ करके नीचे उतर गई। इंजन आगे जा चुका था, आगे की 2 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, एक बोगी पलट गई। S5 में मैं जर्नी कर रहा था, S5 कोच की स्थिति ये थी कि वहां अफरा तफरी चारों तरफ मच गया। सारे लोग कोच छोड़ करके नीचे उतरने लगे और उस अफरा तफरी में लगा जैसे एक दूसरे के ऊपर लोग गिरने लगे। फरक्का एक्सप्रेस वहां पर डिरेल हुई है हरचंदपुर थाना क्षेत्र में, और जिसमें अब 9 बोगी डिरेल होने के समाचार हैं। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल DMSP वहां के पूरा प्रशासनिक अमला जमला, वहाँ के थाना अध्यक्ष और आसपास के थाना अध्यक्ष सब पहुँचे हैं और इसकी ऑपरेशंस में लग गए हैं। न्यू फरक्का एक्सप्रेस मालदा से रायबरेली होते हुए दिल्ली की ओर जा रही थी। स्थानीय लोग, पुलिस की टीम और NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घटनास्थल पर स्थानीय DM और अन्य अधिकारी भी पहुँच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के तुरंत बाद इस बारे में जानकारी ली और घायलों को तुरंत मदद देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 2,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। 9 कोचेज आपके ड्रेल हैं, इसमें हमारे 7 पैसेंजर्स की डेथ हुई है, 21 जो इंजर्ड हैं जो कि रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। तो हादसा बड़ा है क्योंकि एक भी डेथ जो है बड़ा ही हादसा है। सभी पैसेंजर्स को हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि सबको एवोकेट कर लिया गया है। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने मरने वालों के परिवार वालों को 5,00,000 रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।